नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं नीलांजन मुखोपाध्याय आप लोगों के लिए ला रहा हूं एक खास मुलाकात। मेरी आज की मुलाकात होगी रवि चोपड़ा के साथ, जो हिंदुस्तान के एक बहुत ही वरिष्ठ, कई दशकों से काम किए हुए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बोलिए, साइंटिस्ट बोलिए, एक तरह से पूरे एनवायरमेंट के प्रति एक ऑलराउंडेड पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले तो मैं रवि चोपड़ा जी का को वेलकम करता हूं हमारे कार्यक्रम में इस खास घड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जी, आपसे बहुत सालों बाद मेरी मुलाकात हो रही है, ऑनलाइन ही सही, लेकिन मुलाकात इस बहाने हो गई। जोशी मठ को शायद धन्यवाद देना पड़ेगा या हमारे एनवायरमेंटल पॉलिसीज के मिसमैनेजमेंट को धन्यवाद देना पड़ेगा कि कम से कम हम आपसे एक बार फिर से रूबरू हुए। मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा समय होता तो और भी मजा आता। बिल्कुल, लेकिन संयोग है कि हम लोगों की मुलाकात राष्ट्र के सामने संकट के कड़ी में सबसे ज्यादा टाइटली बनती है। मेरी आपसे पहली मुलाकात 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद सबसे पहले बार मुलाकात हुई थी, तब मैं बिल्कुल एक नौजवान पत्रकार था और उस घटना ने पूरी तरह से मेरी जिंदगी और मेरा प्रोफेशनल पाथ को बदल दिया। आपका भी एक बहुत ही डिफाइनिंग पीरियड था उस समय और उसके बाद आप लगातार एनवायरनमेंट को लेके चलते रहे। रवि जी, आप हिंदुस्तान के जो पहला जो सिटीजन्स रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 1982 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट अनिल अग्रवाल जी के साथ जुड़े हुए थे, उसके बाद से लगभग 4.5 दशकों के साथ से ज्यादा आप एनवायरनमेंट के मुद्दों पे, एक्टिविज्म के मुद्दों पे, स्टडीज के मुद्दों पे जुड़े रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई अपॉइंटेड कमिटीज जो हुए थे उनमें आप शामिल रहे, उनको आपने हेड किया है कि हमारे एनवायरनमेंटल स्ट्रेटजी किस तरह से डिजास्टर की तरफ ले जा रही है। तो मेरा पहला जो सवाल आपसे ये है कि जब हमने नए साल में, जो कि एक तरह से खुशियों का त्योहार होता है, लेकिन जोशीमठ में कुछ लोगों के लिए एकदम बहुत ही डिप्रेसिंग और बहुत ही ग्लूमी खबर लेके आई, जब उनके मकानों में बड़े बड़े दरार पड़ गए, तो जब आपने इसके बारे में खबर पढ़ी, जब इसके बारे में आपने देखा, तस्वीरें देखी, तो आपको जो अंग्रेजी जो कहा जाता है कि एक सेंस ऑफ डेजा वू, ये तो मैंने देखा ही था कि ये होगा, कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ था क्या? जोशीमठ में दरारें तो लगभग नवंबर, अक्टूबर या नवंबर 2021 से आनी शुरू हो गई थी जी। तो समय समय पर मेरे मित्र मुझे बता रहे थे कि स्थिति कैसे ज्यादा गंभीर होती जा रही है, और मुझे भी मौका मिला। सितंबर के महीने में मैं गया था वहां पर और तब मुझे मौका मिला ये स्वयं देखने के लिए, इसलिए कोई नई बात नहीं हुई। ये लग रहा था कि अगर सरकार बीच में कोई उपाय नहीं करती है तो ये स्थिति जो है बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो खबरें आ रही हैं, आप अभी चमोली के कल आप मुझे बता रहे थे कि आप चमोली में जाके भी इंटरवीन करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली स्थिति के बारे में जो खबरें आई हैं, जो कुछ आपको पता है उसके बारे में जरा बताएंगे कि फोटो के आगे ये सिचुएशन क्या इंडिकेट करती है। इसमें जो बड़ी बात है जी, वो है सरकार की नाकामी। 1976 से अनेक कमेटियों ने, अनेक वैज्ञानिकों की रिपोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट के संस्तुतियों में ये बात कही गई कि ये इलाका बड़ा संवेदनशील है और इस संवेदनशील इलाके के संरक्षण के लिए क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन सरकारों ने, जितनी भी सरकारें हैं और जिला प्रशासन है, किसी ने एक नहीं सुनी। आपने 1976 के शायद एमसी मेहता कमिटी का जिक्र किया कि जो एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अलार्म बेल्स था,
लेकिन उसके पीछे भी एक पृष्ठभूमि थी। संयोग की बात है कि मेरा बचपन रुड़की शहर में बीता। रुड़की शहर हमेशा से जब भी वातावरण रिलेटेड खासतौर से हिमालयन क्षेत्र में किसी भी स्टडी होती है, चाहे वो तेरी बांध की बात होती है या फिर अभी जोशी मठ में, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक तरफ वहां पे अर्थ साइंसेस का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के लोग हैं और सेंट्रल बिल्डिंग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो CSIR का है। तो बचपन से जो वरिष्ठ लोग जो साइंटिस्ट थे उनके बातें सुनने को मिलती थी और ये समझ में आता था कि हमारा शहर जो है एक तरह से एक बहुत ही डेंजर प्रोन जोन, जहां हम घूमने जाते थे पहाड़ों में, बहुत सुंदर लगता था लेकिन लगता था कि उसके जो फुटहिल्स हैं जहां पे हमारा शहर बिल्कुल उसके बाहर था, तो ऐसा लगता था कि हमेशा हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो जरा MC मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद से कब कब किस किस तरह से फ्लैग किया गया कि खतरा है, उसके बारे में जरा बताएंगे। अगर आपने जोशीमठ की कोई पुरानी फोटोएं देखी हो 1962 से पहले, तो आपको पता लगेगा कि ये तो एक छोटा सा गांव था जहां एक प्रसिद्ध मंदिर था जी। और 62 में चीन के साथ जो हमारा सीमा पर लड़ाई हुई, उसके बाद यहाँ पर सड़कों का एक जाल बिछना शुरू हुआ, जो कि जरूरी भी था सीमा तक पहुंचाने के लिए सामान और सेना को। लेकिन उसके चलते फिर आर्मी की कंटोनमेंट बनी जोशीमठ में, और आर्मी की कंटोनमेंट को सेवाएं देने के लिए लोग वहां पर आए गांव आसपास के गांव से, और काफी भारी मात्रा में निर्माण कार्य शुरू हुए। इसके चलते सड़कों में दरारें आई जोशीमठ की सड़कों में, और तब फिर 1976 में ये महेश चंद मेहता की कमेटी बनी, जिसकी प्रमुख संस्तुतियों में था कि यहाँ पर वृक्ष काटे गए हैं, उनका कटान बंद हो, वृक्षारोपण होना चाहिए, नदी नीचे से पहाड़ को काट रही है इसलिए नदी ना काटे, उसका इंतजाम करना चाहिए, जो इसका ढाल है वो पुरानी एक भूस्खलन क्षेत्र है, वो एक पुराना ग्लेशियर का भूस्खलन क्षेत्र है और वो बड़ा ही संवेदनशील है, उस पर चिन्हित किए जाएं कि कौन से इलाके निर्माण के उपयुक्त नहीं है और किन इलाकों में निर्माण हो सकता है, अगर होगा तो सीमित होना चाहिए। लेकिन इन संस्तुतियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर लगभग 2005 में यहाँ पर तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना बनने लगी, उसकी सुरंग जब बनने लगी जोशीमठ के पहाड़ के नीचे, तो लोगों ने धमाके सुनकर लोगों ने चेतावनी दी कि इस इलाके में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। खैर, लोगों की तो बात बहुत ही कम सुनी जाती है। 2009 में फिर अचानक एक जल स्रोत फूट गया और बहुत बड़ा जल स्रोत था, उसमें करीब 600-700 लीटर प्रति सेकंड पानी का बहाव था, कुछ करोड़ लीटर प्रति दिन, और वो न जाने कब तक चलता रहा। उस समय गढ़वाल यूनिवर्सिटी के दो वैज्ञानिकों ने वहां जाकर एक रिपोर्ट लिखी करंट साइंस जर्नल में, और ये कहा कि आगे चलकर उन्होंने सबसे पहले तो ये शंका व्यक्त की कि ये शायद जो टनल बोरिंग मशीन जो लगाई है, जो अंदर खोद रही है इस सुरंग को, वो कहीं किसी जल भरे भंडार को, जिसको हम भूजल भरे भंडार को हम एक्विफर कहते हैं, किसी एक्विफर को पंक्चर कर दिया है और उससे ये पानी का रिसाव हो रहा है, आगे चल के ये बड़ा हादसा हो सकता है, ये उनका कहना। 2010 में ये रिपोर्ट छपी। उसके बाद 2013 में जब केदारनाथ की आपदा हुई और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी जिसमें मैं अध्यक्ष था, हमने एक संस्तुति की कि
जो मध्य केंद्रीय भ्रंश है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वहां पर बांध ना बनाए जाएं, क्योंकि ये एक पैराग्लेशियल जोन है और जैसे विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ध्वस्त किया था उस समय के बाढ़ ने, उस तरह से इस इलाके में बाढ़ आएंगे और ये प्रोजेक्ट सब नष्ट होंगे और इनका दुष्प्रभाव काफी दूर तक नीचे जाएगा जी। 2014 में ये वार्निंग आई, फिर 2021 का तो आपको याद होगा, जो फरवरी 2021 में जब ऋषि गंगा और धौली गंगा में बाढ़ आई और ये पूरा बांध ही बह गया, उस समय काफी पानी और मलबा इस सुरंग में घुस गए, ठीक है जी। और उसके बाद यहां पर लोगों ने काफी अनुरोध किया कि इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया जाए जी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नवंबर 16, 2021 को जोशीमठ में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, लोगों ने कहा कि हमारे घरों में दरारें आई हैं, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र में था और कुछ घरों में समस्या उठी थी। उसके बाद समय समय पर और लोगों ने बताया कि उनके घरों में दरारें आ रही हैं। मई 2022 के बाद प्रदर्शन हुए, जिला प्रशासन को सूचित किया गया, स्टेट ऑफिशियल से मिले लोग और मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम वगैरह भेजे, लेकिन कोई जवाब तक नहीं आया इन शासकों से। इसके बाद फिर नवंबर इस साल लगभग 20-30 मकानों में दरारें आई जी, लेकिन सरकार कुछ नहीं की, तब भी कुछ नहीं हुआ। और बढ़ते बढ़ते जब दिसंबर के अंत के 20 दिसंबर के आसपास जब लगभग सैकड़ों घरों में जगह जगह पर जोशीमठ में दरारें आने लगी जी, तब अचानक प्रशासन जगा। 26 दिसंबर को पहली बार प्रशासन इस घटना को संज्ञान में लेता है जी। और उसके बाद तो आप जानते ही हो, अखबारों में खबरें आ रही हैं, फोटोएं आ रही हैं, ये सब हो रहा है। तो स्थानीय लोग कहते हैं कि अभी भी हाल में भी सुरंग में धमाके उन्होंने सुने हैं और उनका पूरा दोष है कि ये सुरंग के कारण हो रहा है जी। आपने काफी संक्षेप में बताया कि इसकी इमीडिएट जो क्राइसिस जो फेस हो रही है, इसका बैकग्राउंड के बारे में बताया। थोड़ा सा हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं तीन चीजों की। आपने 1962 की चीन के साथ लड़ाई की बात की कि एक तरह से डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करने की जरूरत थी। उसी के साथ ये देखा गया कि हिंदुस्तान के जो पॉलिसी प्लानर्स थे लार्ज डैम्स को लगातार परस्यू करते रहे। और तीसरा जो हमने 90s में एक तरह से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद में देखा कि टूरिज्म का बहुत ही हैपजर्ड एक्सपेंशन पूरे हिमालयन रीजन में हुआ, चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र हो या चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र हो, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा। अब यही सरकार को देखिए कि 2014 में ये चुन के आई, लेकिन 2013 में जब आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का नेता के तौर पे चुना जा रहा था गोवा में, उसी समय लगभग केदारनाथ में वो फ्लैश फ्लड्स आए थे और उसके बाद उतना बड़ा हादसा हुआ। तो उसे सीख लिए बगैर चार धाम यात्रा को एक्सपैंड करने के लिए उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड किया गया। आप उस हाई पावर्ड कमिटी में थे और आपने अल्टीमेटली इन प्रोटेस्ट वहां से रिजाइन किया। जरा उसके बारे में बताएंगे कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी, टूरिज्म वर्सेस कंजर्वेशन और डिफेंस की नेसेसिटी, इनको आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से बैलेंस, बहुत ही संतुलन मेंटेन करने की बहुत जरूरत है लेकिन नहीं होती है। पहले तो ये कहा जाता था कि हम लोग उत्तराखंड वासी जो है, हम लोग एक इलाके में फंसे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार को यहाँ ध्यान देने का कोई वक्त नहीं है। लेकिन जब
जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए कि हमें अलग राज्य चाहिए, तो उस समय ये इतनी ही कल्पना थी यहाँ के जो प्लानर्स हैं उनके दिमाग में, इतनी ही कल्पना थी कि इस राज्य के लिए राजस्व कहाँ से आएगा, तो टूरिज्म से आएगा और पन बिजली बेचकर, हाइड्रो पावर बेचकर आएगा जी। अब उस समय हम सब जो अनेक एक्टिविस्ट थे वो भी यही सोच रहे थे, लेकिन साथ साथ पर्यावरण की परिस्थिति को देखकर, यहाँ पर बड़ा नाजुक इकोलॉजी है और यहाँ के पहाड़ कच्चे हैं, तो बार बार ये संबोधित कर रहे थे प्लानर्स को कि जो भी हमें करना है वो एक सस्टेनेबल ढंग से करना पड़ेगा, ताकि विकास और पर्यावरण दोनों के बीच में संतुलन बना रहे जी। अब जब राज्य बन गया तो बड़ी तेजी से ये टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। होता क्या है कि जब आप, और चार इसे टूरिज्म के चार या पांच ही केंद्र बिंदु हैं, चार धाम और फिर वो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क, मुख्य रूप से इन पांच जगहों पर जितने ज्यादा टूरिस्ट भेज सकते हैं वहां भेजने का प्रयास था जी। ऐसी परिस्थिति में किसी ने ये नहीं सोचा कि कितने लोग यहां पे आने चाहिए, कितनी संख्या, कैरिंग कैपेसिटी क्या है इन इलाकों की, पीक सीजन में कितने लोग रहने चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पीक सीजन में कितने लोग वहां रहने चाहिए। हाँ, इस पर जैसे हमने एक हाई पावर्ड कमेटी में हमने एक कैलकुलेशन किया और उसमें ये सिद्ध हुआ कि गंगोत्री धाम के इलाके में जो कैरिंग कैपेसिटी है वो शायद हम आज पहुंच चुके हैं वहां तक, और अगर नहीं पहुंचे आज तो अगले दो एक साल में पहुंच जाएंगे जी। ये बात तो हमने वहां कह दी। अब जहां पर डिफेंस का मामला आता है तो एक प्रपोजल आया हाई पावर्ड कमेटी के पास कि जोशीमठ के नीचे एक बाईपास बनाना है, उसको कहते हैं हेलंग मारवाड़ी बाईपास जी, और उसका तुरंत विरोध हुआ स्थानीय समुदाय से, जिनको ये चिंता थी कि उनके जो इकोनॉमी है उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा अगर लोग ऊपर से जोशीमठ होके नहीं जाएंगे बद्रीनाथ, तो फिर उनकी तो आमदनी खत्म हो जाएगी, टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। अब हमारे संज्ञान में यह भी था कि मिश्रा कमेटी ने यह कहा था कि पहाड़ की ढाल बड़ी नाजुक है और उसका जो बेस है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है जी। मौके पे गए, वैज्ञानिक की टीम गई, बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि देखिए हम पूरे टो पर नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ 5-6.5 किलोमीटर की बाईपास बना रहे हैं और वो सारा हार्ड रॉक का इलाका है। हमने सब देखा, हार्ड रॉक का इलाका था लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हमको नजर आई। तो हाई पावर्ड कमेटी की ये संस्तुति थी कि जाने वाला ट्रैफिक जो है वो जोशीमठ होके बद्रीनाथ जाए जी, वापसी का ट्रैफिक जो है वो बेशक बाईपास से आए, बाईपास से आए, उससे एक तो जोशीमठ की कंजेशन और जोशीमठ की सड़कों पर जो प्रेशर था वो कम होगा जी। और दूसरी तरफ अगर वन वे ट्रैफिक ही आपको चाहिए तो आपको इतना चौड़ा बाईपास नहीं चाहिए। सही बात। इस आधार पर और ये एडिशनल संस्तुति करते हुए कि जो भी कार्य आप यहाँ पे करोगे पहले आपको बहुत गंभीर जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल और जियोटेक्निकल एनालिसिस करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है इन पत्थरों का। आज जो मुझे सूचनाएं मिल रही हैं वो ये हैं कि वहां पर बीआरओ ने धमाके शुरू कर दिए, सड़क का काम शुरू कर दिया, लेकिन कोई अध्ययन नहीं हुआ है।
और यही रुख बार बार रहता है। हमने जब सरकार से कहा कि यहां पर पूरे पहाड़ के क्षेत्र में चार धाम परियोजना की सड़क पर 10 मीटर की चौड़ी सड़क जिस पर डामरीकरण हो रहा है उसकी जरूरत नहीं है, ये बड़ा संवेदनशील इलाका है, आवश्यक नहीं है इतना ज्यादा चौड़ा करने का। और मंत्रालय, रोड मंत्रालय की अपनी एक रिपोर्ट है 2018 की जी, कि पिछले 5 साल के अनुभव के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि पहाड़ों में सड़क बनाना बहुत ही कठिन काम है और उसके अनेक दुष्प्रभाव हैं। इसलिए ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि पहाड़ों में जो सड़क बनेगी वो केवल 5.5 मीटर चौड़ी होगी जी। इसके आधार पे हमने ये संस्तुति सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और कहा कि देखिए मंत्रालय के साइंटिस्ट कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं जी। उनके 5 साल का अनुभव है। तो हमारी ये संस्तुति थी जिसको जस्टिस नारीमान ने तुरंत मान लिया। उस समय जो दलील दी सरकार ने वो ये थी कि हम 7 मीटर चौड़ी ही करना चाहेंगे, 10 मीटर से हम कम कर देते हैं। नवंबर 2020 में डिफेंस मंत्रालय वापस जाता है सुप्रीम कोर्ट और कहता है जो 5.5 मीटर की सीमा है ये हमको उचित नहीं लग रही, डिफेंस पर्पसेस के लिए इसको 7 मीटर कर दीजिए जी। अंत में नतीजा क्या हुआ कि उसको 10 मीटर चौड़ा ही रखा गया है जी। तो इस तरह से हम लोग सवाल उठता है कि फिर कमेटियां बनाते क्यों हो जब आपको अपनी मनमानी। सही बात है। और मुझे याद है जब 10 मीटर की बात हुई तो अल्टीमेटली यही कहा कि देश के सुरक्षा के लिए जरूरत है, तो देश के सुरक्षा के आगे कोई भी रैशनल आर्गुमेंट उस समय नहीं चला। एक जो चीज निकल के निरंजन भाई ये याद रखें कि रक्षा मंत्रालय की अपनी मांग क्या थी 7 मीटर के लिए, उसने नहीं मांगा 10 मीटर। लेकिन वो अल्टीमेटली बेसिकली जो ड्राइव है वो कि किसी तरह से हम प्रकृति पर अपनी जीत को एस्टैब्लिश कर दें, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर। ये एक बहुत पुराना आर्ग्यूमेंट रहा है जो आप लोग जो वातावरण के एरिया में एक्टिविज्म के साथ जुड़े रहे हैं उनको पता है कि जो रूलिंग क्लासेस होते हैं, जो गवर्नमेंट्स होते हैं, उनकी एक मानसिकता होती है, वो शायद दोबारा से निकल के आ रही है। एक आखिरी सवाल आपसे जी, ये जिस इलाके में जोशीमठ की बात करें, हम गढ़वाल इलाके की बात करें, ये वही इलाका है जहां से हिंदुस्तान का जो पर्यावरण एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो आंदोलन है एक तरह से फोकलोर का हिस्सा है, चिपको आंदोलन जी। मेन जो आंदोलन का जो सक्सेस हुआ था वो था कि जनता का समर्थन, पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो क्या आपको लगता है कि अभी जो जोशीमठ में जो ये चुनौती है, जो चैलेंज है, जो क्राइसिस है, पता नहीं आगे चल के जिन लोग विस्थापित होंगे इनके रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार क्या प्लान कर रही है, तो क्या आपको लगता है दोबारा से एक पीपल्स मूवमेंट होने की कोई पॉसिबिलिटीज हैं? आप तो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। देखिए मुझे लगता है कि संभावना तो काफी ज्यादा है, लेकिन उस ढंग का वो एक क्रम चला था पेजेंट्स मूवमेंट का जी, और चिपको आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे वो ग्रामीण लोग थे जी। अब काफी हद तक लोग ग्रामीण इलाकों से, क्योंकि वहां पर विकास हुआ नहीं है, वो गांव को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं जी। तो अब जो आंदोलन चलेंगे वो शहर के लोग चलाएंगे, और इसका एक सबूत मैं खुद देखता हूँ पिछले कई, मान लीजिए कि 2-2.5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि देहरादून में जो इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान हो रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, उसका विरोध यहाँ पर युवा वर्ग कर रहा है। तो उससे आशा बनती है कि यहाँ पर युवा वर्ग अगर जागृत हो गया है तो वो, क्योंकि उनका भविष्य संकट में है, तो वो आंदोलन करेंगे और सफल होंगे।
चलिए उम्मीद करते हैं कि होगा। एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे कि आपको अभी सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सरकार को क्या करना चाहिए इमीडिएटली जोशीमठ के क्राइसिस को देखते हुए? देखिए, इमीडिएटली तो सरकार ने जो कदम लिए हैं वो तो अनिवार्य थे ही जी। एक तो जिन घरों में अब जो घर अब रहने लायक नहीं है, लगभग 600 से ज्यादा हैं, उनके परिवारों को शिफ्ट कर रहे हैं रिलीफ कैंप्स में और उनके लिए जमीन खोजी जा रही है जहां पर सुरक्षित घर बन सके जी। लेकिन घर बनाने के अलावा उनकी तो पूरा जीवन आजीविका बिगड़ गई है ना जी। तो उस आजीविका को रिस्टोर करना है, ये काम केवल सरकार नहीं कर सकती है, बल्कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की कल रात को संस्तुति हुई है जी। सरकार लोगों को एक रकम दे दे, 4 लाख या 5 लाख रुपया इन 600 परिवारों को, और वो अपनी आजीविका को फिर से कायम करें, और फिर जब उनको अंत में जो भी मुआवजे की रकम होगी उसमें से इसको 4-5 लाख को बस घटा लें, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा, उनको रिहैबिलिटेट करना है, उनकी आजीविका पुनर्स्थापित करनी है, तो उसके लिए ये सब काम जरूरी है। इसके साथ साथ सरकार ने अब कुछ सर्वेक्षण और कुछ वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किए हैं कि इस ढाल को कैसे सुरक्षित किया जाए जी, वो भी अनिवार्य है। लेकिन लंबी दृष्टि को अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी जरूरत है कैरिंग कैपेसिटी स्टडी की, और उसके आधार पर माउंटेन सिटीज की एक नीति बननी चाहिए, और माउंटेन सिटीज की नीति के अनुसार और कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का कार्य जोशीमठ में हो जी। नहीं, आपने मतलब बहुत ही पॉइंटेडली आपने चीजों को रखा कि रिलीफ के अलावा रिहैबिलिटेशन, उनका ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन जो विस्थापित हैं उनका बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ कैरिंग कैपेसिटी पर आपने सबको नजर डालने की बात की, सरकार को नजर डालने की आपने एम्फेसाइज किया, और साथ ही साथ अर्बन एरियाज को किस तरह से फर्दर डेवलप किया जाए उसके बारे में रीथिंकिंग होनी चाहिए। इन सब चीजों पे हम उम्मीद करते हैं कि जनता की तरफ से तो प्रेशर रहेगा, आप जैसे लोग इन्वॉल्व रहेंगे, उनको समझाते रहेंगे तो प्रेशर रहेगा, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार कुछ नजर अब सीरियसली इन चीजों पे देखे, सिर्फ एक तरह से एम्बिशन से ना ड्रिवन हो कि जाके हम वहां हमारा सिग्नेचर करके एस्टैब्लिश करें कि हमने भी यहाँ पे आके राज किया है। रवि जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।